हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक रिएजेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके बीएससी एंड एमएससी लेवल के थ्योरी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। सो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स क्या होता है? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द टर्म रिएजेंट्स डिनोट अ केमिकल इंग्रेडिएंट्स। केमिकल इंग्रेडिएंट्स मतलब अ कंपाउंड आर मिक्सर टिपिकली ऑफ इनऑर्गेनिक आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस टू कॉज द डिजायर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है ऑर्गेनिक रिएजेंट का। बेसिकली ऑर्गेनिक रिएजेंट रिफर टू अ सब्सटेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएजेंट जो है एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस को रिफर करता है जो स्पेसिफिकली यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर फैसिलिटेटेड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है इंट्रोड्यूस टू कॉज द डिजायर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हमको मनचाहा जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज करते हैं। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स को आप नॉर्मली समझ सकते हैं एज अ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक जो होते हैं रिएक्शंस में उसकी तरह काम करते हैं एंड इट रिएक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक रिएजेंट प्ले एसेंशियल रोल इन मैनिपुलेटिंग एंड मॉडिफाइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक रिएजेंट से रिलेटेड जो आपको समझना है। बेसिकली जो ऑर्गेनिक रिएजेंट होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए एसेंशियल रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस जो है केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन रिएक्शंस। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जो रिएजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक रिएजेंट होते हैं ना, हर एक ऑर्गेनिक रिएजेंट का जो है स्पेसिफिक फंक्शन होता है किसी रिएक्शन में। ठीक है, तो बेसिक सिंपल आपको क्या समझना है ऑर्गेनिक रिएजेंट क्या होता है। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कराने के लिए जो कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं उनको ऑर्गेनिक रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएजेंट आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, द रिएजेंट विच कैन एक्सेप्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक रिएजेंट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो बहुत सिंपल से डेफिनेशंस हैं, आप समझ सकते हैं। जो रिएजेंट एक वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहा जाता है। दिस आर जनरली पॉजिटिव आयन्स इंक्लूडिंग कार्बोनियम आयन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ठीक है, तो इनमें जो है इस प्रकार के ऑर्गेनिक रिएजेंट में जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है जिसके कारण ये वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं H+Cl- Br+I+ NO2+ R3C+ RnH3+ SO3H AlCl3 BF3 ये जो होते हैं क्या है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्गेनिक रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय E+। ठीक है, ई पॉजिटिव से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड जो टाइप है ऑर्गेनिक रिएजेंट में दैट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। सो द रिएजेंट विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, इसका अपोजिट है, बहुत सिंपल है, इसका अपोजिट है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ये जो है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करते हैं, मतलब इसके पास जो है एक्स्ट्रा होता है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके कारण इसको डोनेट करेंगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इसके कारण तो इसको किससे इसको जनरली इस साइन से जो है एक्सप्रेस किया जाता है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ द रिएजेंट विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आर न्यूक्लियोफाइल्स दिस आर एनायंस इंक्लूडिंग कार्बनायंस आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में Cl- Br- I- Cn- जिसमें वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा होता है जिसको डोनेट कर सकते हैं उनको न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आर जनरली एक्सप्रेस बाय
NU नेगेटिव, ठीक है, इससे इसको जो है डिनोट किया जाता है। इसमें नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये इनमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा होता है जिसको ये डोनेट करते हैं, एंड इसके साइन में जो है E पॉजिटिव, जिसमें पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये क्योंकि इसमें जो है कमी होता है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिसको ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे रिएजेंट से। तो ये ऑर्गेनिक रिएजेंट का बहुत शॉर्ट सा नोट्स है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी 2 मार्क्स में बीएससी एंड एमएससी लेवल के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे एंड इस नोट्स को आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं, आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप चेक भी कर सकते हैं। एंड अगर बीएससी एंड एमएससी के केमिस्ट्री के और नोट्स आपको देखने हैं और वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।